हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन ट्यूटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे दिल्ली आईटीआई के बारे में। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, पूछा जा रहा था दिल्ली आईटीआई के रिगार्डिंग में कि सर यह जो मतलब कि रैंक लिस्ट निकला है, या रैंक लिस्ट है या फिर मेरिट लिस्ट है, टेंटेटिव रैंक का क्या मतलब होता है, इन सभी डाउट को मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप लोग ये इन्फॉर्मेशन देख ले, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली आईटीआई टेंटेटिव रैंक डिस्प्ले हो चुका है, 10 जुलाई को आपका रिलीज हो चुका, तो आपने देख भी लिया होगा। फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्ट करेक्शन बाय कैंडिडेट एट हिज हर डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग गवर्नमेंट आईटीआई अगेंस्ट टेंटेटिव रैंक, तो आपने कर लिया होगा 10 से 12 जुलाई तक आपका जो टाइम था। फिर आपका जो फाइनल जो रैंक जारी होगा दोस्तों दिल्ली आईटीआई का, वह 16 जुलाई को होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टेंटेटिव रैंक का क्या मतलब है। तो देखिए फ्रेंड, टेंटेटिव रैंक का मतलब आप लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट समझ सकते हैं। ठीक है, टेंटेटिव रैंक का मतलब होता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट। अब बात करते हैं रैंक लिस्ट और मेरिट लिस्ट में क्या अंतर है, तो मैं आपको बता दूं, रैंक लिस्ट एंड जो मेरिट लिस्ट होता है दोनों सेम ही होता है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। टेंटेटिव रैंक जो डिस्प्ले किया गया है, मतलब कि आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है। अब जो आपको फाइनल जो रैंक दिया जाएगा, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वह 16 जुलाई को किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये अपडेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा रिप्लाई करने में लेट हो, लेकिन मैं जरूर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स।